हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनटीए नेट पेपर 1 से रिलेटेड मॉक टेस्ट 6 के बारे में। सो मॉक टेस्ट 6 में जो है हम पीपल एंड एनवायरनमेंट के 2018 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई बार जो है एग्ज़ाम में पीपल एंड एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले भी जो हम 5 मॉक टेस्ट को अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो मॉक टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या हमने जो है उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दिया है। सो बाकी जो है फ्रेंड्स, आपको इस मॉक टेस्ट का जो है फॉर्मेट पता ही है। आपको जो है आंसर करने के लिए क्वेश्चन का 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप जो है क्वेश्चन के साथ साथ भी जो है आंसर कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके, या आपने जो है कितने क्वेश्चन को करेक्ट मार्क किया आप जो है वो भी बता सकते हैं इसी वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वट इज़ द थीम ऑफ द 2018 इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, इन शॉर्ट में कहेंगे IBD, यानी कि 2018 का अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आज का विषय क्या है? ऑप्शन ए इन्वेजिव एलियन स्पीसीज यानी कि आक्रामक विदेशी प्रजातियां, बी बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल टूरिज्म यानी कि जैव विविधता और सतत पर्यटन, ऑप्शन सी सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के लिए 25 साल की कार्रवाई का जश्न जो है मनाया जा रहा है, या फिर ऑप्शन डी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैविक विविधता पर सम्मेलन। सो फ्रेंड्स, 2018 इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी का जो थीम था वो था ऑप्शन सी सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी। सो ये जो है इनकी 25th एनिवर्सरी है, और साथ ही साथ जो है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है हर साल 22 मई को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंडिया विल टाई अप विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू डेवलप अ पॉल्यूशन फोरकास्ट सिस्टम यानी कि प्रदूषण पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करने के लिए भारत निम्नलिखित में से किन देशों से जुड़ जाएगा? ऑप्शन ए जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, बी स्वीडन एंड यूनाइटेड किंगडम, सी साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील, या फिर ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स एंड फिनलैंड। सो फ्रेंड्स, वो जो कंट्रीज हैं वो हैं ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स एंड फिनलैंड। नंबर 3 पर हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन रैंक्ड इंडियाज फर्स्ट क्लीनेस्ट सिटी एज पर लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 यानी कि नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला सबसे साफ शहर माना गया है? ऑप्शन ए इंदौर, बी विजयवाड़ा, सी गाजियाबाद, या फिर ऑप्शन डी भोपाल। सो फ्रेंड्स, वो शहर है ऑप्शन ए इंदौर। इंदौर को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार जो है भारत का सबसे साफ शहर जो है माना गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सेकंड प्लेस पर है भोपाल और थर्ड प्लेस पर है चंडीगढ़। नंबर 4 पर है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2018 वर्ल्ड अर्थ डे, इन शॉर्ट में WED, यानी कि 2018 विश्व पृथ्वी दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन ए सेव योर अर्थ फ्रॉम प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक से अपनी पृथ्वी बचाएं, ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट लिटरेसी यानी कि पर्यावरण और जलवायु साक्षरता, ऑप्शन सी बीवेयर फ्रॉम प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण से सावधान रहे, या फिर ऑप्शन डी एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी कि अंत प्लास्टिक प्रदूषण। सो फ्रेंड्स, इस बार जो है 2018 वर्ल्ड अर्थ डे का जो थीम था वो था ऑप्शन डी एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। सो ये जो है वर्ल्ड अर्थ डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 22 को। सो फ्रेंड्स, डेट याद रखना अप्रैल 22, जहाँ पर जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को बढ़ावा दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन शॉर्ट में UNEP, हैज रिकॉग्नाइज्ड विच इंडियन एयरपोर्ट एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली सोलर एनर्जी पावर्ड एयरपोर्ट यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा माना है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम
यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने जो है ऑप्शन सी कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को जो है दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा माना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर पॉलिसी टू रिड्यूस द स्टेट्स डिपेंडेंस ऑन फ्रेश वाटर। ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी गुजरात, और गुजरात गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है गांधीनगर शहर में, जिसका जो लक्ष्य है यानी कि एम है नर्मदा नदी जैसे फ्रेश वाटर के जो सोर्स हैं उस पर जो है स्टेट की डिपेंडेंस यानी कि राज्य की निर्भरता को कम करना है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको जो है हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप जो है हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल पर मेम्बरशिप लेकर। मेम्बरशिप लेने के लिए जो है आपको जो है ज्वाइन बटन इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के साथ मिल जाएगा, या आप जब भी हमारा चैनल ओपन करते हैं तब भी जो है आपको ज्वाइन का जो है बटन मिल जाएगा, जिसे जो है आप प्रेस कर हमारे चैनल पर मेंबरशिप ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हमने मेंबरशिप का लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है प्रोवाइड करवा दिया है, ताकि हम जो है आपके लिए फ्यूचर में और अच्छी वीडियोज़ ला सकें। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको जो है क्वेश्चन PDF और रिटर्न में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स वापस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री इज द ग्लोबल होस्ट नेशन फॉर द 43rd एडिशन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 इवेंट, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 कार्यक्रम के 43वें संस्करण के लिए कौन सा देश वैश्विक मेजबान राष्ट्र है। ऑप्शन ए बेल्जियम, बी नॉर्वे, सी साउथ कोरिया या फिर ऑप्शन डी इंडिया। सो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इंडिया इज द ग्लोबल होस्ट नेशन फॉर द 43rd एडिशन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 इवेंट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज टॉप्ड द कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इन शॉर्ट में CWMI ऑफ नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग के समग्र जल सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी झारखंड। सो फ्रेंड्स वो स्टेट है ऑप्शन बी गुजरात, जहां पर जो है 14 जून को मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज नितिन गडकरी, यानी कि मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज हैं नितिन गडकरी, जहां पर जो है इन्होंने न्यू दिल्ली में नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज की, जहां पर जो है गुजरात टॉप पर है। सो फ्रेंड्स जो स्टेट सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रही इस इंडेक्स में वो है झारखंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दी UNEP यानी कि दी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैज़ पार्टनर्ड विद विच टेक्नोलॉजिकल जायंट फॉर मॉनिटरिंग इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन ग्लोबल इकोसिस्टम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव गतिविधि के प्रभाव की निगरानी के लिए किस तकनीकी के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी फेसबुक या फिर ऑप्शन डी इंफोसिस। सो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव गतिविधि के प्रभाव की निगरानी के लिए जो है ऑप्शन बी गूगल तकनीकी के साथ जो है साझेदारी की है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, इंडियाज फर्स्ट जेनेटिक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, इनके वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवंशिक बैंक का किस शहर में उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, बी कोलकाता, सी हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। सो वो सिटी है हैदराबाद, और ये इनॉग्रेट किया गया था यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जो है 10 MCQs को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको जो है किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, देन जो है हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है एक बेल आइकन का ऑप्शन आता है, आप जो है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप जो है हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें।